ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। ...2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से थी, लेकिन बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका लगा। लगातार दो लोकसभा चुनावों में 5-5 सीटें जीतने वाली सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 चुनावों में बीजेपी की नकेल कस दी, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी फैजाबाद सीट के हार को नहीं पचा पा रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदर हो रहे तमाम उठापटक को भूल अब सरकार और संगठन के बीच बात बन गई है। आगामी उपचुनावों में मिलकर चुनाव लड़ने और 10 में से 10 सीटें जीतने पर फोकस करने की आम सहमति बन गई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार पावर डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, यानी सबको अपने अपने काम समझा दिए गए। बीजेपी के करीबियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट की जिम्मेदारी संभाल रहे। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट नाक की लड़ाई की तरह है और बीजेपी किसी तरह इस सीट को फतेह करना चाहती है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद लगातार दो बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त देकर सांसद बनने में सफल रहे। अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोट से जीत दर्ज की थी। अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले तो बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले थे। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर सपा के अवधेश प्रसाद को बढ़त मिली थी, जबकि लल्लू सिंह को केवल 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली थी। अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद बनने के बाद अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है, जहां उपचुनाव होने हैं। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अयोध्या लोकसभा सीट की हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर सीट से बराबर करना चाहती। इसके लिए बीजेपी ये विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, जिसके लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी गई। पार्टी ऐसे उम्मीदवार को उतारने की फिराक में है जो मिल्कीपुर सीट के सियासी समीकरण में फिट बैठता हो और जीत कर हार का हिसाब बराबर कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।